दोस्तों जी आर में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आज हम देखने वाले हैं श्रृंखला या लुप्त पद का आप कुछ भी कह लीजिए इसका पार्ट थर्ड ठीक है दोनों में एक ही काम होता है श्रृंखला चलाएं चाहे फिर लुप्त पद निकालें दोनों में एक ही काम है और आज हम पार्ट थर्ड है और दोस्तों इस थर्ड पार्ट में हम एक अलग टाइप देखेंगे ठीक है पिछले दो वीडियो दोस्तों करवा चुका हूँ इसके अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक, बॉक्स में उसकी लिंक है दोस्तों और ना प्ले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे तो बाहर से देख लीजिएगा दोस्तों ये है पार्ट थर्ड और आज हम करने वाले हैं दोस्तों कि वर्णमाला में जो स्थान परिवर्तित होते हैं उसका जो क्वेश्चन बनता है उस पर से वर्णमाला मतलब आप सभी जानते हो आ, ए बी सी आ, डी से लेकर ए जेड तक ए वी सी डी से लेकर जेट तक बर्डमाला होती है इसमें होते हैं ट्वेंटी सिक्स वर्ड ठीक है छब्बीस अक्षर होते हैं अब इन छब्बीस अक्षर को इस प्रकार मिक्स किया जाता है कि एक या तो श्रेणी बन जाती है या कोई एक पद बीच में छोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से इसको अरेंज किया जाता है तो हमें क्या करना है दोस्तों हमें सिर्फ बताना है कि इसका जो श्रेणी में नेक्स्ट पद क्या आएगा या फिर कोई बीच में पद छूटा हुआ है तो वो किस प्रकार आएगा तो दोस्तों जैसे कि देख लेते हैं क्वेश्चन से तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन जैसे कि एच है ठीक है एच है एल है पी है टी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं एक्स ठीक है ये हमने कुछ बर्ड ले ले, ले, ले लिए हैं अपन बर्डों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है मतलब इसमें अगली जो अगला पद है इसे श्रेणी भी कह सकते हैं और लुप्त पद भी कह सकते हैं आपको यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है एक इसे ही श्रेणी बोल देंगे क्योंकि ये जो डेड डेडे से ये आगे जा रहा है किसी श्रेणी रूप में और इसे ही लुप्त पद बोल देंगे क्योंकि यहाँ से एक लुप्त भी है ठीक है एक पद है वो लुप्त है तो इस प्रकार से बोलेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम आ, मैं बता दूँ आपको कि हम करने वाले हैं तीन टाइप के प्रश्न कौन कौन से जो आ, सिंगल डिजिट है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सिंगल वाला है सिंगल डिजिट है और एक कर, करेंगे डबल डिजिट वाला जैसे कि कोई के भी आ गया ठीक है एल डी आ गया और एम जी आ गया ठीक है एम जी आ गया अब इसको आगे आगे निकालना है हमें तो इस प्रकार के वर्ड हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसी में इसी क्रम में दोस्तों जो तीन संख्या हैं जैसे ए बी सी आ गया तो फिर इस प्रकार से हम किस प्रकार निकालेंगे तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों इस प्रकार के आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे जैसे कि एच है आपको मैं दो प्रकार से बताऊंगा दोस्तों पहला टाइप देख लीजिए और दूसरा टाइप देख लीजिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टाइप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा लगा यहाँ पर आपको कॉमा कोमा दिए गए हैं सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक ये यह कौन सा है दोस्तों एच है ठीक है और एच के बाद आपको एल दिया है तो आप आपको देखना ये है कि आपको इनमें कितने का अंतर आ रहा है ठीक है तो हम देख सकते हैं कि एच है एच के बाद कौन सा आता है एच आई जे के और एल ठीक है और ये कौन सा वर्ड है चौथे नंबर का तो आ, एल कौन से नंबर का वर्ड है तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा है चौथा वर्ड है ठीक है तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें चौथा वर्ड आ रहा है ठीक है यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है चौथा इसी प्रकार हम सभी सभी में करेंगे यहाँ फोर्थ लिख देंगे और इस प्रकार से हम पी के बाद करेंगे क्या दोस्तों एल तो एल के बाद पी है तो एल के बाद क्या आता है दोस्तों ये एल है और यहाँ से देखेंगे एम एन ओ पी ए भी दोस्तों चौथा वर्ड है तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे फोर यहाँ पर लिख देंगे मैं आपको दोस्तों अगर आपको दोस्तों आता है तो कोई बात नहीं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं इस आ, इस आंसर को करके लेकिन मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जिनके लिए बिल्कुल बेसिक से नहीं आता है बेसिक से हम किस प्रकार करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है पी पी के बाद टी है तो अगर आपको ए बी सी डी ही आती है आपको इसके नंबर सिस्टम नहीं है याद तो कोई बात नहीं आप उस प्रकार से भी कर सकते हो वो ऐसा है दोस्तों कि जैसे पी अब पी में बता रहा हूँ पी के आपको लिख लिया पी के बाद क्या आता है दोस्तों क्यू आर एस टी तो आपको पता है ये भी चौथे नंबर पर है मतलब इसमें जो सीरीज़ बन रही है कितने कितने नंबर की बन रही है दोस्तों तो ये फोर फोर नंबर की बन रही है ठीक है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फोर लिखेंगे अब एक्स का देख लेते हैं तो इसी प्रकार एक्स देखेंगे तो एक्स के बाद क्या आता है दोस्तों बाई आ, टी टी के बाद देख लेते हैं तो टी के बाद भी आई होप टी के बाद क्या आ जाता है यू वी W और एक्स ठीक है यहाँ पर टी है तो यहाँ पर कितना आ गया ये भी फोर नंबर है ठीक है तो यहाँ पर भी आंसर आ, कितना आएगा दोस्तों तो ये भी चार नंबर का आएगा तो यहाँ पर भी कितना है दोस्तों जो डिस्टेंस जो दूरी है इनकी चार चार अंक आ रहे हैं ठीक है थीके? यहाँ पे अगर चार चार अंक आ रहे हैं तो नेक्स्ट भी कितना होना चाहिए दोस्तों फोर्थ होना चाहिए और यहाँ पर एक बात याद रखना यहाँ पर अगर आपके पास आपको पता है कि ये कितने नंबर पर आता है ये तो चौबीसवें नंबर पर आता है तो सिर्फ़ हमारे पास दो ही नंबर बचे तो आपको क्या करना है वो बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है दोस्तों एक्स तो एक्स के बाद हमें लाना है नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा तो एक्स के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों बाई और जेड यहाँ पर तो हमारी जो ए बी सी टी है वो ख़त्म हो जाती है फिर हमें क्या करना है दोस्तों हमें स्टार्टिंग से ले लेना है ए और बी ले लेना है तो चौथा वर्ड कौन सा निकल के आ गया दोस्तों यहाँ पर हमारा बी आ गया तो यहाँ पर दोस्तों फोर्थ फोर्थ की जो सीरीज़ बन रही है सीरीज़ में हम यहाँ पर नहीं देखेंगे कि हमारा ए लेना है कि एक्स यहाँ पर तो जो सीरीज़ बन रही है उसके बाद क्या करना जेड के बाद हमेशा स्टार्ट से कर देना है ए से तो हमारी सीरीज़ क्या बन गई दोस्तों यहाँ पर फोर आ, बी आ गया आंसर आ गया कौन सा बी आ गया आंसर और हमारी सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई अब दोस्तों यहाँ पर ये सीरीज़ इसलिए कहेंगे क्योंकि अनंत टाइम भी जा सकती है बी के बाद भी अपन चार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों तो उसके बाद फिर नया नया वर्ड आएगा फिर नया वर्ड आ जाएगा तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज़ बन जाती है अब दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन को बताता हूँ आपको एक नया तरीके से एक मैंने आपको इस तरीके से बता दिया अगर आपको नहीं आता है तो आपको ये तरीका इस तरीके से भी आप कर सकते हो और दोस्तों आ, नेक्स्ट जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो भी देख लीजिए दोस्तों अगर नेक्स्ट आपको जो इजी तरीका है नेक्स्ट हमारा मेथड है इसी क्वेश्चन को करने के लिए तो दोस्तों इसको इजी तरीके से करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा कि आपको इनके नंबर याद होने चाहिए मतलब ए किस स्थान पर है एक है तो बी किस स्थान पर है दो पर है ठीक है आ, सी के स्थान पर तीन पर है जेड के स्थान पर आता है तो ट्वेंटी सिक्स पर आता है तो दोस्तों इस प्रकार से हमें याद होने चाहिए तो दोस्तों अगर आपको ये याद है तो कोई बात नहीं आपको इजी तरीके से इस मेथड में भी आ जाएगा और ये मेथड आपको एक से दो सेकेंड के लिए ही बनी हुई है तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों हम देख लेंगे कि जो एच है एच कितने नंबर पर आता है दोस्तों आठ नंबर पर आता है एल कितने नंबर पर आता है बारहवें नंबर पर आता है कितने नंबर पर आता है दोस्तों सोलह नंबर पर आता है टी आता है बीसवें नंबर पर और एक्स आता है ट्वेंटी फोर नंबर पर यहाँ पर दो दोस्तों देखो ए, एक एक सेकंड में भी एक क्वेश्चन दो सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर चार चार का अंतर है यहाँ पर, पर भी चार चार का अंतर है यहाँ पर भी चार चार का अंतर है यहाँ पर भी चार का अंतर है ठीक है वही जो हम लास्ट मेथड से करके ला रहे थे यहाँ पर चार चार का डिस्टेंस इसमें भी चार अंक लिख कर भी हम क्या कर सकते हैं चार चार का इसमें अंतर निकाल सकते हैं तो यहाँ पर भी वही आ गया अब हम क्या करेंगे चौबीस में अगर चार जोड़ेंगे तो ये कितने आ जाएंगे दोस्तों अट्ठाइस हो जाएंगे और हमें यहाँ पर एक बात याद रखना हमें पता है कि जो ए वी सी डी होती है वो ट्वेंटी सिक्स मतलब छब्बीस वर्ड ही होते हैं तो हमें क्या करना है उसको फिर शुरू से ले लेना है ए और बी और इसमें जोड़ देंगे तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों ये बी के नंबर पर आ जाएगा अट्ठाईस नंबर पर ठीक है तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा इस प्रकार से हम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अगर आप वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैंने आपको बताया था डबल वाला ठीक है अगर आपके पास डबल वर्ड हो तो उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे जैसे ले लेते हैं हम कि के बी एल डी और एक और ले लेते हैं एम जी और यहाँ पर एक और लेंगे एन के ले लेते हैं ठीक है अब एन के आगे हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा ठीक है तो यहाँ पर ये डी है और ये जी है एन के तो हमें बताना दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में मतलब कौन सा आंसर आएगा तो दोस्तों इस प्रकार के जब क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है दोस्तों सीरीज क्या देखना चाहिए वो सीरीज़ देखनी है अब हम सीरीज़ किस प्रकार से देखेंगे तो दोस्तों हमें अगर सीरीज़ हम इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है दोस्तों के 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 बाद यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों एल तो के एल और एल के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों एम और एम एम के बाद क्या आ रहा है दोस्तों एन ये देखो दोस्तों यहाँ पर सीरीज़ बनी हुई है के एल एम एन अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों ओ ही आएगा ना क्योंकि यहाँ पे क्रम से चल रहा है ना एक के एल एम एन फिर ओ आ जाएगा और इसी प्रकार से हम अगर दूसरे को देखें मतलब कि अगर हम इस वाले को देखें बी डी ठीक है बी के बाद डी और डी के बाद है जी और जी के बाद क्या है के अब हम इस इसको देखो तो किस प्रकार हमें समझ में अंतर समझ में आ रहा है क्योंकि देखो बी के बाद सी आता है तो एक छोड़ एक बन मतलब बी यहाँ पर हम देखेंगे बी और बी के बाद क्या आता है सी तो इन्होंने क्या किया सी को छोड़ दिया और डी को ले लिया ठीक है एक छोड़ना है डी के बाद क्या करेंगे ई e, तो डी के बाद इन्होंने क्या कर दिया जी ले लिया मतलब कितने कितने को छोड़ दिया दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने तो डी ई एफ जी तो यहाँ पर इन्होंने नहीं दो को छोड़ दिया और फिर तीसरे को ले लिया तो यहाँ पर डी के बाद क्या कर दिया इन्होंने जी को मतलब तीसरे का अंतर यहाँ पर दो का अंतर आ रहा तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दो का अंतर आ रहा है यहाँ पर तीन का अंतर आ रहा है ठीक है और यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है सीधा दोस्तों जी के बाद के तो जब हम जी के बाद के देखेंगे तो इसमें हमें कितने का अंतर आएगा तो यहाँ पर हमें चार का अंतर आ रहा है नज़र अब जब चार का अंतर नज़र आ रहा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे uh, के के बाद हम क्या करेंगे पाँच यहाँ पर आना चाहिए पाँच का अंतर इस सीरीज में हमें इस सीरीज़ में हमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि यहाँ पर क्रम निश्चित है एक दो तीन जो क्रम चल रहा है ए बी सी डी का वही क्रम है बर्णमाला का क्रम वही है लेकिन यहाँ पर बर्णमाला का क्रम नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस प्लस हो रहा है पहले में दो प्लस हुए फिर तीन प्लस हुए चार प्लस हुए तो यहाँ पर क्या पाँच वर्ड प्लस होंगे तो अगर हम के में पाँच वर्ड प्लस कर देते हैं तो के के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों एल एम एन ओ और यहाँ पर पी आ जाएगा ठीक है तो अगर हम पांच वर्ड प्लस कर देते तो क्या आ जाएगा पी आ जाएगा तो इसका वर्ड कितना है दोस्तों ओ और यहाँ पर कौन सा वर्ड है पी तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों ओ और पी तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ओ पी तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं आई होप दोस्तों ये नेक्स्ट uh, टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आएगा दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया और नहीं आया तो इसकी क्या वजह है तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे तो दोस्तों नेक्स्ट जो नेक्स्ट uh, टाइप का जो क्वेश्चन है वो एक टाइप है और जो आता है uh, इसमें आते हैं तीन वर्ड ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों कि ए सी ई यहाँ पर करेंगे बी डी एफ और एक और है सी ई e, और जी और इस प्रकार में हम आ, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम किस प्रकार से आ, जो श्रेणियां हैं वो देखेंगे ठीक है यहाँ पर ए ए सी ई आ जाएगा और जब बी सी डी आया तो हम इसको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइए दोस्तों इस प्रश्न इस को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या है तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या कुछ अलग दिखना चाहिए अगर हम अलग देख सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक सीरीज़ बन रही है ए बी और इसमें आ रही है सी तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों हमारी जो सीरीज़ निकल रही है पहले हम ए बी और सी ये सीरीज निकाल लेंगे ये हमें पता है दोस्तों ए बी सी तो आगे का क्या आएगा क्योंकि ये ए, एक किस सिक्वेंस के हिसाब से चल रही है ये जो सिक्वेंस चल रहा है इसका ये ए बी सी डी वाला सिक्वेंस चल रहा है क्रम चल रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों डी आ जाएगा ठीक है एक बर्ड तो हमने निकाल लिया जो हमारा जो आ, आंसर है उसका एक बर्ड आ गया क्योंकि हमने एक सीरीज सॉल्व कर ली अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सी यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों सी देखेंगे डी देखेंगे और डी के बाद क्या देखेंगे दोस्तों ई e. तो दोस्तों हमारे पास जो सी डी ई तो यहाँ पर क्या करेंगे सी डी और ई e. ये भी दोस्तों क्रम से ही चल रहा है जब अपना जब हमारा क्रम से क्वेश्चन चल रहा है तो दोस्तों हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसका इसमें डी आया और इसका क्या आ जाएगा ई e के बाद एफ़ आ जाएगा ठीक है और हम जो थर्ड वाला सीक्वेंस देखते हैं अब हमारे पास ई e, और यहाँ से एफ़ और यहाँ से जी बचा तो ई e एफ जी यहाँ पर लिख लेते हैं ई e एफ जी तो दोस्तों ये भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है कितने आराम से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया क्योंकि हमने अलग अलग तरीके से निकाला जब हम इसको अलग अलग तीनों को तीनों चीज़ों को हम जब अलग अलग तीन तीन सीरीज को अलग अलग तरीके में बांट देंगे तो हमारा आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों याद रखना यहाँ पर एक नहीं तीन सीरीज चल रही है एक साथ में तो यहाँ पर ई एफ जी के बाद क्या आता है दोस्तों एच आता है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ से डी ले लेंगे यहाँ से एफ ले लेंगे और यहाँ पर एच ले लेंगे तो हमें क्या करना है जो पहले सीरीज़ थी उसका पहला वर्ड लेना है मतलब डी और यहाँ से क्या ले लेना है सेकेंड वर्ड एफ और यहाँ से कौन सा वर्ड लेना है दोस्तों एच तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है दोस्तों डी एफ एच तो जो डी एफ एच है दोस्तों ये हमारे आंसर का क्वेश्चन uh, का आंसर आ चुका है इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है आई होप दोस्तों कि आपको ये मेथड भी समझ आई होगी अच्छी लगी होगी अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए बताइएगा दोस्तों और कुछ क्वेश्चन मैं आपको तीनों मेथड से दे रहा हूँ वो आप उसके आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों क्वेश्चन है वाई वी पी डब्लू डब्लू टी एन ये आपको आंसर है और इसके ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहते हैं तो उसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते आ, उसमें हम इजी सरल लगता है लेकिन आप इस प्रकार से निकालेंगे तो ये आपको सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है और एक और लिख लें लिख लीजिए दोस्तों एक है हमारा बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि डब्लू पी जे और ए इसको क्वेश्चन निकालना है आपको और यहाँ पर जो नेक्स्ट बर्ड है वो निकालना है ठीक है और एक और क्वेश्चन है दोस्तों वो भी लिख लीजिए ए जेड सी एक्स और एफ यू ये आपको क्वेश्चन कमेंट्स कमेंट करके इन, तीने question, इन तीनों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो श्रेणी क्रम का नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और वो किस प्रकार के आते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट उस पर चर्चा करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ इसके नेक्स्ट टाइप के साथ आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू फॉर द वॉच